चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है और नई नई चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो एक भोले और हमारे साथ आए हैं, आज जुड़े हैं, जो कि भगवान शिव शंकर जी को लेके जा रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले तो बोलेंगे सभी हर हर महादेव। तो बोले कहाँ से हो आप? गाँव रनेरा, जेवर एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा। क्या नाम है आपका? तरुण ठाकुर। तरुण ठाकुर, तो कोई लोग कलश में लेके कावड़ जा रहे हैं, कोई कंधे पे लेके जा रहे हैं, कोई किस तरह से जा रहे हैं, कोई डीजे से लेके जा रहे हैं, आपने बाबा भोले को ही सर पे उठा लिया? ऐसा है जी, हम तो आवे यहाँ पे हर महीने घूमने फिरने, और मम्मी पापा वगैरह वो आना पा में उनके लिए ना घर पे लेके जा रहे हैं। उनके लिए आप उनके घर पे लेके जा रहे हैं करेंगे ना। तो अच्छा, आपने कुछ यूनिक किया है, लोग अपने माता पिता को लेके जा रहे हैं, आपने भोले को ही अपने माता पिता के लिए लेके जा रहे हो? हाँ, उनके लिए लेके जा रहे हैं घर पे। अच्छा, कब आप हरिद्वार से चले थे? कल दोपहर 12:30 बजे। और कब तक पहुँच जाओगे? 1 तारीख को जाना, आराम से, काफी टाइम है हमारे पास। 1 तारीख को कहाँ पे, कहाँ पे जाओगे आप? जेवर। जेवर में, जेवर एयरपोर्ट। तो कितने कितने लोग हैं आपके साथ? तीन। तीन लोग हैं। हाँ जी। तो क्या नाम है भैया आपका? मनीष ठाकुर। मनीष ठाकुर, तो जैसे भैया ने भोले सर पे उठा रखे हैं, क्या इनकी कोई मन्नत थी? नहीं, बस माता पिता के लिए। माता पिता के लिए जी। तो आप जैसे ये जा रहे हैं, आप इनकी हेल्प कर रहे हो? तो नहीं, हेल्प नहीं, हमारे पास में एक 41 लीटर कलश है जल। 41 लीटर कलश। हाँ। ये अकेले चल रहे हैं लेके? हाँ, अकेले चल रहे हैं। तो इनकी आप जैसे बीच बीच में आराम भी करना होता तो कैसे हेल्प करते हो उनकी? बस इसको मतलब कंधे पे बिठा देते हैं, उठा के और उतरवा देते हैं, बस इतना ही। अच्छा, अच्छा। और बाद बाकी ये खुद। तो अभी जो आप जैसे कह रहे थे कि मैं हरिद्वार आता रहता हूँ, तो ऐसी श्रद्धा क्या आई कि जो आपको भोले को ही उठाना पड़ गया? बस प्यार है भोले वाले के लिए। भोले वाले के प्यार है। हाँ। तो आप जैसे मतलब कि पहली बार लेके आ रहे हो भोले को, या इससे पहले भी लेके आए हो? भोले वाले को हम पहली बार ही लेके जा रहे हैं, उससे पहले कलश वगैरह ले गए, 6-7 बार कावड़ ले गए विमान वगैरह। तो इस बार आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपने कलश की भी लेगी, वैसे भी कावड़ लेगी, तो इस बार बाबा भोले को बिठा के आपको कैसा लग रहा है? बाबा भोले को बिठा के काफी अच्छा लग रहा है हमको इस बार। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ आज भैया, और भैया के साथ और भी लोग थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है किसी भी प्रति, चाहे जल के प्रति, चाहे कावड़ कलश में, चाहे अपने माता पिता को, चाहे भोले को, सच्ची श्रद्धा आपके बीच में होनी चाहिए। और आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यूं ही अपना चैनल पर प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।